नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेन। दोस्तों आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो UPSC व चयन बोर्ड को रिजल्ट को लेकर के है। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों बोर्ड में फंसे परिणाम लगभग 4961 पदों पर परिणाम अटके हैं। अब लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड में हिंदी और कला का रिजल्ट नहीं आया TGT PGT का, वहाँ पर UPSC से LT ग्रेड हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, LT ग्रेड का तो चलो बात मान लीजिए कि आप लोग वहाँ पर पेपर लीक का मामला या जैसे रिजल्ट रोके गए हैं, लेकिन चयन बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हिंदी और कला का रिजल्ट रोका गया है। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि फिलहाल 4961 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है अटका है और चयन बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है कि कब तक इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, हालांकि टाइम काफ़ी हो चुका है, लगभग एक महीने रिजल्ट जारी किए हो चुके हैं। बाकी रिजल्ट 25 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था और बाद 25 नवंबर है, एक महीना हो गया है, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया, कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं मिली कब तक रिजल्ट आएगा। वहीं पर यह भी दिया गया कि जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो UPSC पर ही हमलावर होते हैं, चयन बोर्ड के प्रति ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। अगर चयन बोर्ड में के प्रति ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो रिजल्ट अब तक आ जाता। यहाँ पर दिया गया कि जितने प्रतियोगी छात्र होते हैं चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो सिर्फ वार्ता करके ही लौट आते हैं, इतना सक्रिय नहीं होते हैं, इस वजह से परिणाम अटके हुए हैं। फिलहाल अपडेट यही है, जैसा कुछ होगा अपडेट आपको आने वाले वीडियोज़ में लगातार मिलता रहेगा। बाकी ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर की अपडेट है। 68,533 मामले की आज सुनवाई होनी है। 25 नवंबर को कोर्ट नंबर 20 में एडिशनल नंबर 1 पर केस लगा हुआ है, ये केस लगभग अंतिम दौर में चल रहा है, इस केस की सुनवाई होनी है। ठीक है, तो जैसा कुछ होगा अपडेट आपको आने वाली वीडियोस में लगातार मिलता रहेगा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 28 इसको लेकर की अपडेट है। आपको बता दें ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये पुरानी भर्ती जो पिछले साल आई थी 68,500, इसमें चौथे चक्र के लिए आवेदन 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 28 नवंबर से 3 दिसंबर की शाम 5 बजे तक ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आवेदन रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं, governmentjobcenter.com आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आवेदन शुरू रहेंगे। अब आवेदन करने का प्रारूप क्या है तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन जब शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको रोल नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को डालने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, उसको आप पूरा भर लीजिए, उसके बाद उसका प्रिंटआउट ले लीजिए। आवेदन पत्र भरने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यह भी बताया गया है कि नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर खो गया है या बदल गया है या वर्किंग में नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब तक मोबाइल नंबर से आप OTP नहीं डालेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी 10 रुपये का एक नोटरी शपथ पत्र लाएंगे, उसमें अपने सारी चीज़ें भरेंगे, डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद 29 नवंबर दोपहर 12 बजे से 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कराएंगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल प्रक्रिया है मोबाइल नंबर चेंज कराने की। अच्छा, इसमें आप पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है तो उसके बारे में साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि पुनर्मूल्यांकन में पास 9 अभ्यर्थी और साथ ही बाहरी प्रदेश से शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने वाले इसमें आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, आज के अमर उजाला पेपर में भी ये न्यूज़ दी गई है कि आवेदन कर चुके अभ्यर्थी काउंसलिंग में होंगे शामिल। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में जनपद आवंटन हुआ था, लेकिन बाह्य प्रदेश होने के कारण उनको जनपद में काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया गया, वे अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि से 9 से 11 दिसंबर के बीच जनपद आवंटन में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे होंगे। आपको बता दें इसका जो काउंसलिंग वगैरह होगी जनपद में
होगी तो वो 9 से 11 दिसंबर के बीच होगी, ठीक है। तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट है 8500 शिक्षक भर्ती के लिए, आवेदन 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। अगली जो प्रमुख न्यूज है वो रिस्क की बात कर लेते हैं। 29334 भर्ती मामले को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती है, ठीक है, उसमें काफ़ी पद खाली रह गए थे। 8 चरण की काउंसलिंग लगभग इसमें हो गई थी, फिर भी काफ़ी पद खाली रह गए थे। तो अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो उसी सुनवाई के चलते, याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जब सुनवाई होगी तो राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कितने कितने स्कूल में कितने कितने पद खाली हैं। राज्य सरकार ने इसी सिलसिले में सभी BSA को नोटिस जारी करके हर एक ज़िले से इसकी सूचना मांगी है कि कितने कितने पद 29334 शिक्षक भर्ती में खाली बचे हैं, कितने पद भरे हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, दिया गया है कि पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच शुरू। बनारस में स्थित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के शिक्षक की नौकरी करने वाले अध्यापकों की जाँच शुरू कर दी गई है। ये जांच तब शुरू की गई है जब बाराबंकी में 2 शिक्षकों को STF ने पकड़ा था और भला शिक्षकों के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। अब बेसिक शिक्षा सचिव ने जिलों के खंड शिक्षा अधिकारियों से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर शिक्षक बनने वालों की रिपोर्ट तलब की है, ठीक है। अगली न्यूज है BEd अभ्यर्थियों को लेकर के, जो अभ्यर्थी इस साल BEd कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश BEd प्रवेश परीक्षा 2019 में शामिल होने वाले करीब 1500 अभ्यर्थियों की फीस वापसी का रास्ता साफ हो गया है, ठीक है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया था, साथ ही उनके अकाउंट नंबर या नाम या IFSC कोड में गलती हो गई थी। तो ऐसे छात्रों को 21 नवंबर तक त्रुटि संशोधन के लिए मौका दिया गया था। सोमवार से ऐसे छात्रों की फीस वापस की जाएगी, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर UPSC को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर दिया गया है कि सीधी भर्ती में भी माइनस मार्किंग से पड़ेगा जूझना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य कर चुका है। नए विज्ञापनों के तहत अब जो भी भर्ती आएंगी उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी और उसके साथ साथ अब माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में माइनस मार्किंग से जूझना पड़ेगा, ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है SC ST के जीरो फीस को लेकर के, दिया गया कि समाज कल्याण विभाग ने दिए निर्देश। अब 40% सीटों पर बिना फीस दाखिला देने का नियम अभी तक जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब सभी छात्रों का, यानी 100% छात्रों का जीरो फीस पर एडमिशन होगा सरकारी और एडेड कॉलेजों में। अभी तक ऐसा नियम था कि विद्यालय में जितनी भी सीट होती थी उस सीट का 40% पर ही दाखिला होता था जीरो फीस पर, लेकिन अब 100% कर दिया गया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर अभ्यर्थियों को पहले फीस देना पड़ेगा, उसके बाद सरकार उनकी फीस वापसी करेगी ताकि भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सके। तो ये फिलहाल जो नियम है लागू कर दिए गए, ठीक है। चलें, ये न्यूज हो गई। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज है UPTT 2019 मामले को लेकर के। आपको पता होगा UPTT में 10% समान आरक्षण को लेकर के अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया हुआ था, तो उसी सिलसिले में ये न्यूज़ निकल के सामने आई क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। तो सरकार ने अपना मत यहाँ पर स्पष्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि 22 दिसंबर को जो TT की परीक्षा होगी उसमें गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण मिलना मुश्किल है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों का तर्क है कि TT कोई भर्ती परीक्षा ना होकर के आर्ता परीक्षा है। TT में सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिले ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर यह बात आ रही है निकल के कि जो TT होता है वो एक आर्ता परीक्षा होती है, ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, इसलिए इसमें 10% आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल राज्य सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में सौंपना है, कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय देता है वो सारी चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करेगी। फिलहाल जो PNP और सरकार है उसकी मंशा यही है कि आरक्षण इसमें 10% का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट थी वीडियो की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।